हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या सीख लिया था? हमने बॉयल लॉ के बारे में पढ़ लिया था, बॉयल्स लॉ ऑफ गैस। बॉयल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ ऑफ गैस, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था बच्चों गेलुसेक लॉ के बारे में, गेलुसेक लॉ फॉर गैसेस, ये हमने पढ़ लिया था। और एक और लॉ हमने पढ़ा था बच्चों एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये चार लॉ के बारे में हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? तो बॉयल लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, क्या करते हैं, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट करने से गैस का जो प्रेशर है उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी। दोनों ही सही है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स हमने क्या पढ़ा था बच्चों, इफ प्रेशर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, इसमें तो हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, बॉयल में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था, चार्ल्स लॉ में हमने क्या रखा था, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। अगर हम गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर के क्या होगा, प्रोपोर्शनेट होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर गैस का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। दिस मीन्स इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द गैस देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल इंक्रीज, इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख देते हो तब की बात है। फिर हमने गेलुसेक में हमने पढ़ा था, तो गेलुसेक में हमने क्या किया था, वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखा था, इसको हमने क्या रखा था, कॉन्स्टेंट रखा था। तो वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमने देखा था कि गैस का जो प्रेशर है वो उसके टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को डाउन करते हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, डाउन होगा, गैस का प्रेशर कम हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो। ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया था। और लास्ट लॉ हमने पढ़ा था बच्चों एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस पार्टिकल वो भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने दो चीज को कांस्टेंट कर दी थी, कौन कौन सी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर को हमने यहाँ पे क्या किया था, कांस्टेंट किया था। तो जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं तो गैस का जो वॉल्यूम अगर बढ़ाएंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, या किसी गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। तो इन चारों लॉ से एक और लॉ निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं आइडियल गैस लॉ, या हम बोलते हैं उसको आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं, आइडियल गैस लॉ, या इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आइडियल लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, ये जो चार लॉ हमने पढ़े हैं ना, चारों लॉ को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी। तो देखो कैसे, ध्यान देंगे, सब ध्यान देंगे इधर। देखो हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव करना। वी नो दैट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये हमने पढ़ लिया था बच्चों। ये देखो, ये रहा,
ये हमने पढ़ चुके हैं, ये वाला अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ, ये अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो वॉल्यूम होता है गैस का वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनेट होता है। इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर इसको 2 कह देता हूँ। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये कौन सी है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स, ये अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एक और हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस पार्टिकल। गैस का अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं, ये हमने देखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो ये देखो 1, 2 एंड 3, थ्री इक्वेशन हमें मिल गई है। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को कंबाइंड फॉर्म में लिख दें, तीनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। तो हम क्या क्या लिखेंगे इसको, हम इसको ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वी इज प्रोपोर्शनल टू, वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, ये लिख दिया। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, इसी को अंदर इंक्लूड कर दे तो क्या लिख देंगे, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये देखो वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये लिख दिया, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलती है, इक्वेशन नंबर 3 है कि वॉल्यूम द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन, ठीक है। तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, वी इज प्रोपोर्शनल टू टी एंड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ये हमें इक्वेशन मिल गई, इस टाइप से हमें मिलता है। अब हमें पता है बच्चों, जब इक्वेशन का साइन हटाते हैं, जब इक्वेशन का साइन आता हटाते हैं तो क्या आता है, एक प्रोपोर्शनिटी का साइन आता है, क्या आता है, प्रोपोर्शनिटी का साइन आएगा। और यहाँ पे जो ये इनटू का, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वी इक्वल टू, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा, एक कॉन्स्टेंट आएगा, इस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं आर, क्या कहते हैं, आर, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, आर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, गैस कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू भी बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, तो ध्यान देंगे। अब देखो क्या लिखेंगे, इंटू 1/p इंटू टी इंटू एन। मैंने क्या बताया था कि ये जो प्रोपोर्शनिटी का साइन है ना, इसको अगर रिमूव करते हैं तो एक साइन आएगा बराबर का और एक साइन आएगा कांस्टेंट। तो देखो बराबर आएगा और एक कांस्टेंट आएगा, इसके बाद के जितने भी होते हैं ना रिलेशन में, इस कांस्टेंट इसको हटाते रहो और इसकी जगह क्या लगाते रहो, मल्टीप्लाई का साइन लगाते रहो, इस टाइप से, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये, तो हम इसको इस टाइप से लिख देंगे। अब देखो क्या लिखेंगे, इसको हम और किस टाइप से लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को और किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो तो वी इसको मैं देखो पी को इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको इधर लेके आ जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी वी हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी क्या है हमारे पास में, आइडियल गैस इक्वेशन है। समझ में आया आपको हमने क्या लिखा है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखेंगे किस टाइप से डिराइव हुआ इक्वेशन हमारी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, देन पी इज प्रोपोर्शनल टू एन, देन वी इज प्रोपोर्शनल टू टी एंड पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, ये हम चार इस टाइप की इक्वेशन हमने देख लिए है ना। अब इन चारों को अगर हम कंबाइन कर दे तो क्या लिखेंगे, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो ये अगर इस साइन को हटाते हैं तो क्या आएगा, एक इक्वल का साइन आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, आर है, इनटू 1/p इनटू एन इनटू टी, ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे ध्यान से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया पी वी इक्वल टू एन आर टी, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, एन आर टी। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, इट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस
इक्वेशन। तो आइडियल गैस कौन सी गैस होती है? ऐसी गैस, दोस टाइप ऑफ गैसेस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोज गैसेस विच ओबेस चोबे द आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर को, टेम्परेचर कुछ भी हो, प्रेशर कुछ भी हो, अगर कोई भी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो कौन सी गैस होगी? आइडियल गैस होगी। ये समझ में आया आपको? पीवी इक्वल टू एनआरटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब अगर इस आइडियल गैस को अगर हम दूसरे टर्म्स में लिखें, किस टर्म्स में? डेंसिटी के टर्म्स में लिखें, तो किस टाइप से लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, अगर हमें डेंसिटी को हमें टर्म्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, सब ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे देखो, पी का मतलब होता है प्रेशर ऑफ द गैस। पी यहाँ पे क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। एन क्या है? एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब यहाँ पे आर क्या है? आर यहाँ पे है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और जो टेम्परेचर है टी, इसको हम बोलेंगे टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन में हमें टेम्परेचर लेना है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है वो किसमें है? केल्विन में है। तो ये आपको समझ में आया, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर कोई भी गैस किसी भी टेम्परेचर पर और प्रेशर पर इस इक्वेशन को फॉलो करती है तो वो आइडियल गैस होगी, और जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है किसी भी टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, उसे बोलते हैं रियल गैस। क्या बोलते हैं? रियल गैस। तो आइडियल गैस होती है और रियल गैस होती है, ठीक है बच्चा। रियल गैसेस, तो रियल गैसेस आर दोज गैसेस विच डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन एट एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैस आइडियल गैस, रियल आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? रियल गैसेस बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, इक्वेशन समझ में आ गया आपको। अब इसको डेंसिटी के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन को? ये आइडियल गैस इक्वेशन इसको डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको हम कैसे डेंसिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो हमें यहाँ पे बताया बच्चों, ये क्या है? एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम और किस टाइप से लिख सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं मास ऑफ द, इसको हम लिखेंगे मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मास को उसके मोलर मास से, अगर हम मोलर मास, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मास में को अगर हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, पी वी इक्वल टू, देखो एन की जगह हम क्या लिखेंगे? एम बाई कैपिटल एम। तो यहाँ लिख देंगे एम बाई कैपिटल एम, यहाँ लिख देंगे आर टी, ये सेम, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे और क्या चेंजेस कर सकते हैं? देखो यही चेंज कर सकते हैं कि ये जो वी है ना बच्चों, ये वी वी को यहाँ ले आए, तो एम को क्या करेंगे? हम यहाँ ले आएंगे, सिंपल है ना।
कर सकते हैं ऐसा हम। तो देखो इसको मैंने लिख दिया P इंटू एम इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वी आर टी, ठीक है। पी एम इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय वी आर टी। और आपको पता है बच्चों एम का मतलब होता है मास और वी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम को बोलते हैं हम डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे हमने गैस के टर्म्स में ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये डेंसिटी ऑफ गैस हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे पी एम इक्वल टू, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास में, पी एम इक्वल टू डी आर टी। यहाँ पे डी क्या है? डेंसिटी ऑफ गैस। तो ये इक्वेशन हमारे पास में होगी। ये क्या है बच्चों? रिलेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन को हमने किस टर्म्स में लिखा है? डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है। अगर हमारे पास में किसी गैस की, आइडियल गैस की डेंसिटी दे रखी हो, डेंसिटी हमें देते हैं, ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे दे, उसका मोलर मास अगर हमें पता हो, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, उस गैस का मोलर मास। तो टेम्परेचर अगर हमें दे रखा हो, गैस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है बच्चों, ये जो आर है ना ये गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट मतलब एक फिक्स डिजिट होती है। तो यहाँ पे ये जो फिक्स नंबर है वो क्या होता है, वो होता है 8.310, ठीक है। ये होता है आर का, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू हम लिखेंगे टी, टेम्परेचर दे रखा है किसमें, केल्विन में, ये इसकी वैल्यू रख देंगे, डी डेंसिटी की वैल्यू रख देंगे, मोलर मास रख देंगे, तो हमारे पास में गैस का प्रेशर फाइंड हो जाएगा। तो ये रिलेशन है। तो आपको समझ में आ गया होगा आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है, किस टाइप से लिखा है, आइडियल गैस इक्वेशन को हमने डिराइव किया है। ये डेरिवेशन आइडियल गैस इक्वेशन का आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया तो लिखो बच्चों। हाँ सर समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो बताओ पॉइंट कौन सा समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो बताओ मेरे को। अगर पॉइंट क्लियर है तो इसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब जो आर की यूनिट है ना बच्चों, यूनिट प्रेशर की यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट, वो भी देख लो, और वैल्यू ऑफ आर, तो ये हम देख लेते हैं यूनिट। और प्रेशर, हाँ और साथ में हम एक और देखेंगे, यूनिट ऑफ वॉल्यूम देन वैल्यू ऑफ आर, क्या क्या हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ आर, ये आपको टेबल याद करनी है बच्चों। बहुत सिंपल है, जो यूनिट होती है ना प्रेशर की, वो अगर हम एटमॉस्फेयर लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर उसकी यूनिट हम लेते हैं एटमॉस्फेयर, जनरली एटमॉस्फेयर ही लेते हैं, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर, क्या होगी, लीटर, या फिर हम इसको किस में लिखेंगे, डेन डी एम क्यूब, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। अब जो वैल्यू है ना आर की वैल्यू, आर की वैल्यू लिखनी है 8.0821 लीटर एटमॉस्फियर केल्विन माइनस वन, मतलब केल्विन इनवर्स है, मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होगी आर की वैल्यू। अगर यूनिट हम प्रेशर की यूनिट किस में लें, एटमॉस्फियर में लें, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर में हो जाएगी या डेसीमीटर क्यूब हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 8.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हम इसको एटमॉस्फेयर में ही रहने दें, इसको हम एटमॉस्फेयर में ही रहने देते हैं, इसकी यूनिट को हम सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 82.1 सेंटीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर केल्विन पर मोल, ये लिखेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी यूनिट हम ले लें बच्चों बार में, तो यूनिट जो प्रेशर की यूनिट है ना वो एटमॉस्फेयर भी होती है और बार भी होती है, बार BAR बार, ये प्रेशर की यूनिट है, ये प्रेशर की यूनिट है। तो ये यूनिट वॉल्यूम की हो जाएगी डेसीमीटर क्यूब, और ये आर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 0.083 बार पर केल्विन
पर मोल, ये रखेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट, ये रिलेशन आपको समझ में आया, रिलेशन समझ में आ गया आपको, ये इंपॉर्टेंट है और ये टेबल आपको याद करनी है। अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन कितनी समझ में आई है। तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ठीक है, कंटेंट इन 18 लीटर। तो वॉल्यूम हमें दे दिया बच्चों 18 लीटर, ठीक है, ऑफ द गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, ये टी की वैल्यू दे रखी है बच्चों, टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, तो हमें किसमें चेंज करनी है, केल्विन में। तो केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 + 27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 केल्विन। ठीक है, एंड प्रेशर, प्रेशर दे रखा है बच्चों, प्रेशर दिया है 70 सेंटीमीटर, ये प्रेशर दिया है ठीक है। और गिवन द वैल्यू ऑफ आर इज 8.021 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल, ये दे रखा है आपको ठीक है। अब यहाँ पे ये भी दे रखा है, इफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टेकन अबव इज टू बी फाउंड 1.3। अब यहाँ पे मास दे दिया बच्चों हाइड्रोजन का, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन ये हमें दे दिया है 1.350 ग्राम। तो हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मोलर मास क्या होगा हाइड्रोजन का, वो कैलकुलेट करना है ठीक है। देखो क्या क्या दे रखा है हमें, सब हमें फाइंड क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक तो एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें दे दिया है इसका, टेम्परेचर हमें दे दिया है, प्रेशर हमें दे दिया है और आर की वैल्यू हमें पता है। तो एक तो मास फाइंड करना है और दूसरा हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला है हमारे पास में, फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला है। क्या फाइंड करना हमें, ये एन फाइंड करना है, एन फाइंड करना है ना। तो हम इस फॉर्मूले में किस टाइप से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, एन इक्वल टू पीवी डिवाइडेड बाई आर टी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको एन फाइंड करने के लिए। हाँ तो अब क्या करेंगे, पी की वैल्यू लगा दो बच्चों, पी की वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय, अब ये जो है ना 70, ये देखो सेंटीमीटर में दे रखा बच्चों, तो अब इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, ये सेंटीमीटर में 70 सेंटीमीटर दे रखा है और इसको हम अगर एटमॉस्फेयर में फाइंड करते हैं ना तो 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर में 76 सेंटीमीटर होते हैं मर्क्यूरी के, तो इसको हमें अगर हमें एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है ना तो इसमें किसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों 76 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको, ये समझ में आई बात यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 76 से। तो 76 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये जो 70 सेंटीमीटर है ना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटमोस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू वी, V की वैल्यू लगाओ, V क्या है 18 लीटर, इंटू 18 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू लगा दो, ये R की वैल्यू ये दे रखी है, ये R की वैल्यू लगा दी हमने ठीक है, इंटू T की वैल्यू की क्या आ गई हमारे पास में, 300 आ गई, ये 300 आ गई। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगी हमारे पास में 0.67 मोल, इसको कैलकुलेट करेंगे देखेंगे आप, तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है फाइंड, हमें मास, हमें हमें देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गए, साथ में और हमें क्या करना है, मोलर मास फाइंड करना है हमें। तो मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता होगा बच्चों पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम
आर टी ये लिख सकते हैं ना, पहले अभी हमने लिख के बताया था, ये रिलेशन हमने बताया था। अब हमें देखो ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, तो ये भी हम आराम से फाइंड कर सकते हैं ना बच्चों, आराम से फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो कर लो। यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स हमें ये मिल गया, देखो ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, तो ये लिख दो 0.67 इक्वल टू, ये हमें क्या करना है, मोलर मास हमें हाइड्रोजन का फाइंड करना है, मास हाइड्रोजन का ये देखो दे रखा है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे 1.350 डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। तो कैपिटल एम को यहाँ लेके जाओ, तो इस यूनिट को यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू 1.350 डिवाइडेड बाई 0.67 ये करेंगे, तो इसका मास फाइंड हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में 2.015। अब मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा क्या, ग्राम में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूनिफाइड मास, यू लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, यू मोलर मास लिखेंगे। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और ये जो हमने इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल करवाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे इस बार, ये तो थोड़ा सा इसमें दो चीजें पूछ रखी थी तो ये भी हमने कर लिया था। आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ बच्चों, समझ में आया नहीं आया तो मुझे बताओ, ताकि वापस में रिवाइज करवा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 8 ग्राम ऑफ मीथेन, 8 ग्राम ऑफ मीथेन इन 5 लीटर कंटेनर, 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड बॉयल्स कांस्टेंट। ये फाइंड करना है आपको, ये आपको फाइंड करना है, 8 ग्राम ऑफ मीथेन इन 5 लीटर, 27 डिग्री सेल्सियस, क्या क्या दे रखा है, मास दे रखा है ना 8 ग्राम, क्या दे रखा है, फिर वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर, और क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, प्लस 273 कर दो तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। ठीक है, सीधा हमने 300 केल्विन हमने इसको लिख दिया। तो बॉयल्स कांस्टेंट क्या होता है, आपको याद होना चाहिए बच्चों, पीवी इक्वल टू होता है कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, जो हमने लिखा था ना पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी, ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि आपको पता है बच्चों के बॉयल लॉ में जो टेम्परेचर होता है ना वो कांस्टेंट होता है, हमने यही पढ़ा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, ये हमने पढ़ा था बॉयल लॉ के अंदर। इसका मतलब हमने क्या देखा था, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो ये जो इक्वेशन है ना आइडियल गैस इक्वेशन, इसमें अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो क्या आएगा हमारे पास में, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, ये कांस्टेंट होते हैं हमेशा, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। आर क्या है, ये आर खुद गैस कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। अब ये क्या किया हमने, बॉयल लॉ के अंदर टेम्परेचर को क्या रखते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो ये पूरी यूनिट क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इस वजह से हम इसको बॉयल लॉ को किस टाइप से लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस टाइप से हमने इसको रखा है। ठीक है, समझ में आया ये बात, आई ना आपको, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम या एम बाई एम इसको लिख सकते हैं, आर टी लिख सकते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 8 डिवाइडेड बाई 16 करना है, इनटू इनटू क्या करना है, 8 डिवाइडेड बाई 16 इनटू आर की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, आर की वैल्यू आ जाएगी 0.0082, इनटू टी की वैल्यू लगा दो, टी की वैल्यू आ गई 300, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास में 12.315 लीटर एटीएम, ये आएगा इसका आंसर। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। एक और कर लेते हैं बच्चों, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हमें फाइंड करती है व्हाट इज द डेंसिटी, फाइंड का नाम है व्हाट इज डेंसिटी
ऑफ एसओ टू 820 डिग्री सेल्सियस एंड टू एटमोसफियर प्रेशर। तो आपको फाइंड करनी है बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी फाइंड करनी है, करो जल्दी से। पीएम इक्वल पीएम डिवाइडेड बाय आरटी, इस इक्वेशन से आपको फाइंड करनी है। जल्दी से फाइंड करके बताओ और आंसर निकालो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स।